गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, आपकी सेकंड यूनिट का बेटा सातवां पार्ट शुरू हो गया है। पार्ट पाँच और छः का कार्य मैं आपको पहले भेज चुकी हूँ, आज मैं आपको पार्ट सात पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट सात किसके विषय में है? यह एक किसान से संबंधित कहानी है। किसान जो हमारे लिए अन्न की उपज करता है और हमारा जीवन दाता है, क्योंकि जब भाई आपको पता है जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और उसकी उपज जो करता है खेतों में दिन रात मेहनत करता वह किसान ही करता है। आपके इस वाले पार्ट के अंदर यही सब पढ़ाया जाएगा, तो आज आपका पार्ट सात जो पढ़ाया जाएगा, जो कहानी आधारित है वह मंगल के ऊपर। इसको लिखने वाले हैं राम लक्ष्मण बेनीपुरी। कौन लिख रहा है इसको बेटा कहानी को? राम लक्ष्मण बेनीपुरी। अब किस मंगर जो है वह किसान, मैंने आपको बताया जब बेटा शरीर हष्ट पुष्ट होता है तो वह अपना कार्य बड़ी लगन से करता है। आपको पता है किसानों का जीवन स्तर सुधारने के लिए अब सरकार के द्वारा काफी नियम बनाए गए हैं, उसके द्वारा उन्हें किसी भी सरकार कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो पहले किसान थे वह रूढ़िवादी थे, यानी कि बहुत ही पिछड़े वर्ग के थे, उनमें धीरे धीरे सुधार होने लगा, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। वह दिन भर धूप में, जाड़ा हो, सर्दी हो, बरसात हो, कितना भी कैसा भी मौसम हो, उन्हें तो अपने खेतों में सुबह से जाम के शाम तक काम करना पड़ता है, नहीं तो फिर अन्न कैसे मिलेगा। भारत, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खेती होती है, उपज होती है, वह भारत में ही होती है। तो इसके अंदर मंगर भी ऐसा ही है, जब व्यक्ति हष्ट पुष्ट होता है तो बेटा वह किसी भी कार्य को करने में पीछे नहीं हटता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही शरीर की दुर्बलता बढ़ती जाती है और वह काम करने में कमजोर पड़ जाता है। तो इसके आधार पर मंगर ऐसे ही था। मंगर जब यौवन अवस्था में था तो वह बहुत ही स्वाभिमानी था, वह किसी की नहीं सुनता था, उसके मन में जो काम आता था वह बड़ी ही लगन से करता था। गांव के एक चाचा थे जिनको चाचा कहता था, वह उनकी बात बड़ी आसानी से सुनता था और उनका कहना भी मानता था और उन्हीं का नीति के लिए काम वह करता था। जब मंकर जो था उसके दो संतानें थी बेटा, कहते हैं जब पुत्र बराबर का होने जाता है तो सभी माँ बाप को आशा होती है कि यह बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन मंगर के साथ ऐसा नहीं हुआ। मंगर का पुत्र जैसे ही थोड़ी सी उम्र का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। मंगर को यह दुख सबसे ज्यादा गहरा लगा। जो उसकी पुत्री थी, मंगर ने उसकी शादी बहुत धूमधाम से की थी, अपना सब कुछ लुटा दिया था, लेकिन मंगर का जो दामाद था उसने उसे बुढ़ापे में रखना नहीं चाहा और उस जब मंगर को उल्टा सीधा बोला तो मंगर के अंदर स्वाभिमान तो भरा हुआ था बेटा, क्योंकि जो हमारी जिद होती है या ऐड होती है वह कभी समाप्त हुई ना होती है, कि केवल शरीर तो दुर्बल हो जाता है का। तो मंगर अपने स्वाभिमान के कारण वहां से आ गया वापस। अब उसकी अवस्था ऐसी थी कि बच्चे उसको चिढ़ाते थे क्योंकि वह शक्ल सुबह से तो अच्छा नहीं था उसकी, लेकिन लंबाई कद काठी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब वह बुढ़ापे में आ गया था तो जो उसका शरीर था वह एक ढांचे के हिसाब से हो गया था। जब बच्चे चढ़ाते थे गांव के उसको तो वह गाली गलौज भी करने लगता था। मंगर की पत्नी थी, उसका नाम था मकोलिया। वह बहुत ही सुलझी हुई थी, काली तो थी परंतु वह इतनी सुलझी हुई थी कि वह किसी भी काम को झट से कर देती थी। हंसी मजाक क्योंकि बहुत अच्छी जोड़ी रही है इन दोनों की, मंगर की और मकोलिया की बहुत अच्छी जोड़ी थी, क्योंकि वह एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। मंगर जब भी किसी को मतलब खेतों में काम करने के लिए बुलाया जाता था तो मंगर का नाम पहले लिया जाता था, क्योंकि वह अपनी बहुत अच्छी मेहनत से काम करता था। जो मंगर की बीवी थी, जब
पहले तो उनका समय ऐसे ही चलता चला गया, क्योंकि एक बार मंगर अपने चाचा से नाराज हो जाता है तो वह उसे जब घर पे बुलाने के लिए आती है कि भाई चल खेतों में काम कर, तो कहता है मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि तो उनसे नाराज था। लेकिन मंगर की बीवी समझती थी कि यह नाराज है और वह उसे मना लेती थी और वह काम पर चला जाता। लेकिन बुढ़ापे में जब मंगर कुछ नहीं कर पाता था तो उसकी पत्नी ही जो थी वही घर जाकर किसी का कुछ काम करती, किसी का कुछ काम करती, दो पैसे लाती थी और उसी से अपना गुजर बसर दोनों का करती थी। एक बार मंगर को एक बीमारी हो गई, उसकी उससे उसको लेप लगाना पड़ा। मंगर की पत्नी कहीं से मतलब दवाई के लिए औषधि जो होती है वो लेकर आई। उसने जब लेप लगाया तो मंगत की जो एक आंख थी वह लेप वहां पे लग गया। पहले तो मंगर को बहुत ठंडक सी महसूस थी, लेकिन कुछ समय बाद ही मंगर की आंख में इतनी तेज जलन हुई जहां जहां पर वह लेप लगा था कि मंगर की एक आंख टूट गई। मंगर वैसे तो बेकार था ही, शरीर से भी बेकार था, लेकिन अब उसकी आंख जो टूट गई थी उससे वह बेरुखसा और हो गया, उसे भी दिखाई कम देने लगा। आज ये कहानी इसी पर आधारित है। इस कहानी को हम पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यान देंगे। बेटा आप लोग घर पर बैठकर पढ़ते नहीं हैं, एक बार किताब उठाकर बेटा पढ़ने का अभ्यास जरूर कीजिए, क्योंकि बिना पढ़े किसी भी चीज में समझ नहीं आए। आपको मैंने ये पाठ वैसे थोड़े से शब्दों में व्याख्या कर दी है इस वाले पाठ की। तो हमारे को वैसे तो बेटा किसान के जीवन के जो जीवन स्तर है जो निम्न है उसमें सुधार लाने की पहले तो आवश्यकता है। किस प्रकार, यदि आप किसी को देखते हैं कि वह पढ़ा हुआ नहीं है तो उसके लिए थोड़ा समय दो कि आप थोड़ा बहुत भी जानकार शिक्षित हो गए हैं तो आप थोड़ा बहुत भी समय निकालकर उन्हें शिक्षित करने की अपने अंदर से जिज्ञासा रखिए। क्योंकि अगर वह साक्षर होगा तो वह अपने खेतों में बीज अच्छे बोएगा, अपनी खेती किसानी अच्छी करेगा तो उसकी फसल अच्छी होगी और उससे अन्न की भी अधिक उत्पन्न होगा। तो अपने मन में एक संकल्प रखना चाहिए, क्योंकि हम जब हम पढ़ लेते हैं तो हम अपने छोटों को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, तो इससे हमारी जो विद्या है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी लेकिन दूसरे का भी उपकार होगा। तो मैं अब आपको ये वाला पाठ पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे। हट्टा कट्टा शरीर, कमर में भगवा, कंधे पर हल, हाथ में पैना, आगे आगे बैल का जोड़ा, अपनी आवाज के हहास में ही से ही बैलों को भगाता मेरे खेत की ओर सुबह सुबह जाता। जब से मुझे होश है मैंने मंगर को इसी रूप में देखा है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ मुझे याद आता है, हल के बदले कभी कभी मुझे भी उसके कंधे पर चढ़ने का सौभाग्य मिल चुका है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, क्योंकि न जाने मंगर को बच्चों से वह स्वाभाविक स्नेह नहीं, यानी वह अंदर से प्यार बच्चों को नहीं करता था, जो उसके जैसे लोगों में प्रायः देखा जाता है। उसे देखकर बच्चे भागते ही रहे हैं। आज जब मंगर असक्षम जर्जर हो चुका है, बच्चे मानो इसका बदला चुकाने को अपनी छोटी छड़ियों से उसे छेड़कर भागते हैं और वह जनलाता है। उन्हें मारने के लिए बुढ़ापे की अपनी नकुटिया खोजता या खींच कर गालियां बकने लगता है, तो वे खिलखिला पड़ते हैं और उसको मुंह चिढ़ाने लगते हैं। बच्चों को वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए बेटा किसी के लिए, ये ऐसा करना गंदी बात है। बच्चों से उसकी वितृष्णा क्यों हुई? शायद इसीलिए तो नहीं कि उसे जो एक बच्चा नसीब हुआ वह कमाऊ कूद बनने से के पहले ही उसे देख दगा देकर चल बसा, और जो उसकी एक बच्ची थी जिसकी शादी में उसने इतनी दरियादिली दिखाई, लेकिन एक बार मुसीबत काटने में उसके दरवाजे पर पहुंचा तो दामाद ने वे ऐसी बेरुखी दिखलाई कि मंगर का स्वाभिमान उसे वहां से जबरदस्ती भगा लाया, क्योंकि वह स्वाभिमान था। मंगर का स्वाभिमान, बेटा इसमें लिखा है कि गरीबों के अंदर स्वाभिमान क्यों होता है। मतलब किताब के अंदर एक पॉइंट दिया जाता है कि जो गरीब व्यक्ति होता है उसे तो स्वाभिमान करना नहीं चाहिए, लेकिन यह एक प्रकृति ही अंदर से ही आ जाता है, कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव ही ऐसा
ऐसा हो जाता है। गरीबों में भी स्वाभिमान, लेकिन मंगल की खूबी यह भी नहीं है, मंगल ने किसी की बात कभी बर्दाश्त नहीं की और शायद अपने से बड़ा किसी को मन से माना भी नहीं। मंगल मेरे बाबा का अदब करता था, उनके बुढ़ापे के कारण सुना है मेरे बाबूजी को वह बहुत चाहता था, शायद उस उनके नेक स्वभाव के कारण, यानी जो वह चाहता था उनका उनकी आदत बहुत अच्छी थी। किंतु मेरे चाचाओं को तो उसने हमेशा अपनी बराबर का ही समझा और मुझे वह कल तक तू कहकर पुकारता रहा है। किसी की मजाल जो मंगल को बदजुबान कहे, हलवाओं को मिलने वाली, हलवाओं का होता है किसान को भी हलवा कहा जाता है, मिलने वाली नित दिन की गालियां तो दूर की बात। यानी वह मुझे इतना चाहता था कि मैं कभी भी गालियां नहीं देता था, लेकिन आज परिस्थितियां चेंज है और आज वह सबको गालियां देता है। ऐसा क्यों? उसका खास कारण मंगल का हट्टा कट्टा शरीर और उससे भी अधिक उसका सख्त कमाऊपन, जिसमें ईमानदारी ने चार चांद लगा दिए थे। जितनी देर में लोगों का हल 10 गट जोड़ता, मंगल 15 गट जोड़ लेता, यानी कि जो कोई व्यक्ति थोड़ा काम करता था वो उससे ज्यादा कर लेता था। और वह भी ऐसा महीन जोड़ता कि पहली चास में ही सिराऊ मिलना मुश्किल। मंगल को यह बताने की भी जरूरत नहीं कि कल किस खेत में हल जाएगा। वह शाम को ही सारे खेतों की आर पार घूम आता, सारे खेतों को आर पार घूम आता और जिसकी ताक होती वहां हल लिए सुबह सुबह पहुंच जाता। जुताई के वक्त किसी को देख रेख की भी जरूरत नहीं। आम हलवाओं के पीछे किसान लट लेकर पड़े रहते हैं और तो वे भी जी चुराते, ढिलाई करते, आज का काम कल के लिए छोड़ते। यह आदत मंगल में ही नहीं, मंगल में थी ही नहीं। यूं ही रखवाली चाहे हरी फसल की हो या सूखी पसी की, खलिहान में चाहे बोझों की सील हो या अनाज की रास, मंगल सब पर छोड़कर निश्चित सोया जा सकता था। यानी कि मंगल इतना काम अच्छा करता था कि उसका काम किसी को भी ये नहीं करता था कि अगले दिन किसी को कोई परेशानी होती, क्योंकि हल चलाने वाले होते हैं ना, तो उनका वह काम था, लेकिन जो बाकी काम करने वाला था उन्हें ये कहना नहीं पड़ता था ये क्यों नहीं हुआ। दूसरा ऐसा जन मिलेगा कहाँ, यानी ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, फिर क्यों ना उसकी कदर की जाए। मेरे बाबा कहते थे मंगल हलवाहा नहीं है, स्वांग है। वह अपने स्वांग की तरह भी कभी कभी रुक जाता है और जब जब लोगों को झिड़क भी देता था, उसकी झिड़क सबके सर आंखों पर उसका रुकना और उसकी मनोदी होती। कभी कभी बातें कुछ बढ़ भी जाती। एक दिन काफी कहा सुनी हो गई, दूसरी सुबह मंगल हल लेने नहीं आया। जब आपस में कहा सुनी हो गई तो मंगल ने काम पर नहीं आया, इधर से बुलाहट भी नहीं हुई, यानी उन्होंने बुलाया भी नहीं। रुपए हैं तब हलवाई न होंगे, कोई नया हलवाहा लेकर खेत जोतता गया, यानी कि जो खेत जोतने वाले थे उसको किसी और को पैसे देकर बुला लिया गया। उधर का दूसरा किसान आकर मंगल से बोला, मंगल देख उन्होंने दूसरा हलवाहा भी कर लिया है, उन पर रुपए हैं, 1000 हलवाए मिलेंगे तो तेरे भी शरीर है 1000 ग्रस्त मिलेंगे। आकर किसान मंगल से बोला, मंगल देख उन्होंने दूसरा हलवाया कर लिया, उन पर रुपए हैं, 1000 हलवाए मिलेंगे तो तेरे भी शरीर है 1000 ग्रस्त मिलेंगे। चल हमारा हल जोत, जो तू कहेगा मजदूरी का, लेकिन मेरा सिर तो दर्द कर रहा है, मंगल ने जवाब दिया। मंगल ने इसका जवाब दिया और इसका यह सिर दर्द तक का बना रहा, जब तक जग मारकर मेरे चाचा जी उसे बुलाने नहीं गए, क्योंकि चार दिनों में ही मालूम हो गया मंगल क्या है। बैलों के कंधे छिल गए, उनके पैर में पार लग गया, खेत में हल तो चला लेकिन न ढेला हुआ न मिट्टी।
फिर खेत की आड़ पर बैठे दिन भर हलवाओं को फुकारी देते रहिए, तब कहीं 10 कट जमीन जुटे, मंगर के बिना काम नहीं चला। चाचा जी उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मंगर भीतर घर में ही बैठा है। देखिए उनकी अर्धांगनी इस समय किस वो करती है। मंगर की अर्धांगनी मकोलिया ने कहा, मालिक खड़े हैं, जाओ मान जाओ। कह दे मेरा सिर दर्द कर रहा है, मंगर ने चाचा जी को सुनाकर कहा, मालिक जरा इनके सिर पर मालकिन से तेल लगवा दीजिएगा। उसने हंसी करी, यानी टिटोली हंसी करी उसके साथ में। मकोलिया हंसती हुई बोली, तू मुझसे दिल लगी करती है? मंगर के स्वर में नाराजगी थी। मंगर चलो आपस में कुछ कभी कुछ हो ही जाता है, माफ करो। चाचा जी के स्वर में आजू मिन्नत थी, जाइए उसी से जुतवाइए जिसने 4 दिन जिससे 4 दिन जुतवाया है, यानी जिसने 4 दिन पहले काम किया उससे जाके करवाइए ना। आप मेरे पास क्यों आए हैं? मुझे ले जाकर क्या होगा? आधी रोटी की बचत भी होगी होगी, यानी जो उसके चाचा जी थे उसे 2 रोटी देते थे खाने के लिए, सबको तो कम देते थे लेकिन ये सब्जी से ही खाता था। देखिए यूं ही लोग जो अपमान मन्नत, फिर मंगल अपनी हलवाई का पहना हाथ पे लिए आगे आगे और चाचा जी पीछे पीछे। यह आधी रोटी की बचत क्या है, अब पढ़ेंगे हम इसमें। इसे अब समझा आपने, इसे मंगर का खास हजारा समझिए। जहाँ गांव भर के हलवाओं को 1 रोटी मिलती, मंगर के लिए 1.5 रोटी जाती। वह भी रोटी सुअन की हो और अच्छी पकी हो, उस पर कोई तरकारी भी जरूर हो, क्योंकि मंगर किसी का कच्चा नमक नहीं खाता। मंगर की सभी शर्तें पूरी होती थी। जब कोई बेटा काम अच्छा करता है तो उसकी हमें बातें माननी भी पड़ती है, लेकिन यह 1.5 रोटी वह खुद खाता ऐसा आप ना समझें। क्या अपनी अर्धांगिनी के लिए लेके जाता? नहीं, आधी को 2 टुकड़े करके दोनों को खिला देता था, कौंधे बैलों को खिला देता था। यह आधी रोटी भी मेरे ही घर में लौट आती, लेकिन कोई काट कपट हो नहीं, काट कपट नहीं हो सकती थी। महादेव मुंह ताके और मैं खाऊं, यह कैसे होगा? मंगर के लिए ये बैल नहीं साक्षात महादेव है, यानी जिससे वह हल जोता था जिन बैलों को, वह उन्हें प्रभु का दर्जा देता था, क्योंकि उन्हीं के कारण उसका काम अच्छा होता था। एक आध बात बहुत बढ़ गई तो मंगर मेरा गांव छोड़कर चला गया, लेकिन गांव में रहते उसने दूसरे का परिहत नहीं पकड़ा। दूसरे गांव में भी वह जब नहीं सका तब तीसरा गांव देखा और अंत में मारा मारा फिर मेरे गांव लौटा। शायद मेरे घर जैसी कदों से कहीं नहीं मिली, जहाँ पर बेटा हमारी अच्छी जान पहचान हो जाती है, अच्छी मतलब हमारी कदर करते हैं। अगर हमारे को ऐसा सम्मान कहीं और प्राप्त नहीं होता है तो हमारा मन नहीं लगता है और हम वहां से वापस आ जाते हैं। मंगर का स्वभाव भूखा और बेलोस रहा है, किसी से लंदो चक्को नहीं, लाई लपटाई नहीं, 2 टुक बातें 2 टुक व्यवहार, तो भी न जाने क्यों मंगर मुझे शुरू से ही स्नेह की नजर से देखता रहा है। शायद इसीलिए कि मेरे बाबूजी उसे बहुत मानते हैं, अब भी कहता है मालिक थे हमारे मंझले बाबू, मरे मेरी तकदीर टूटी। और वह शायद इसीलिए भी कि मैं बचपन से ही टूअर हूँ, माँ मर गई, पिताजी चल बसे, तभी तो उसने अपना पवित्र कंधा मुझे दिया। और जब कुछ बड़ा हुआ, यानी कि जिनकी वो रखवाली करता था, जिनकी काका काम वो करता था, वह बच्चा बता रहा है, मैं ननिहाल आने जाने और रहने लगा तो याद आता है मंगर ही मुझे वहाँ पहुँचाता। मैं एक छंटी घोड़ी पर सवार, मंगर सर पर सौगात की चीजें और मेरी किताबें लिए घोड़ी की लगाम पकड़े आगे आगे। जहाँ नीचे ऊंच जमीन होती, कहीं मैं घोड़ी से न गिर जाऊँ, बगल में आकर एक हाथ से मुझे पकड़ भी लेता। उसके बलिष्ठ हाथों के उस कोमल स्पर्श का अनुभव आज भी कर रहा हूँ, यानी कि जब अच्छे से कोमल हाथ रखते थे, क्योंकि काम भी करता था लेकिन वह बहुत ही अच्छा था। जो जो बड़ा होता गया घर से मेरा संबंध टूटता गया, मंगर में तो अपने
अपने ही घर का मेहमान बन गया। लेकिन जब जब दो चार दिनों के लिए घर आता जाता, मंगर को उसी और उसी पेशे में देखा करता, यानी उसके पिताजी जो जिनका वह काम करता था वो तो नहीं रहे थे, तो वह अपने ननिहाल में था। जब वह कभी आता था तो उसको उसी हाल में देखता था। कपड़ों से मंगर को बैर रहा है, हमेशा कमर में भगवा ही लपेटे रहता, उसे धोतियां मिली है। गोवर्धन पूजा के दिन हर साल एक नई धोती लिए बिना वह बैलों बैल के सींगों में लटकन बांधता क्या। यूं भी बाबा और चाचा साल में जब जब धोतियां दिया करते, घर में शादी ब्याह होने पर उसे लाल धोतियां भी मिलती हैं। मेरी शादी में मंगर के लिए नया कुर्ता भी बना था, लेकिन धोतियां उस हमेशा उसके सिर का ही सिंगा रही, जिन्हें वह मुलेटे की तरह लपेटा रहता। और कुर्ता जब मेरी किसी कपकुट मैती में वह संदेश लेकर आता, तभी उसकी देह टपती धपती जो साधारण, वह हमेशा नंग धड़ंग रहता। और मैं कहूँ उसे, मुझे उसका शरीर उस रूप में बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि हट्टा कट्टा शरीर था, उस पर वह वस्त्र धारण नहीं करता था। आज तक कलाकार की दृष्टि से कहता हूँ, मंगल को खूबसूरत शरीर मिला था, काला कंटा फिर भी खूबसूरत। सौंदर्य को रंगसाजी और नकाशी का मजमुआ समझने वालों की रुचि में मैं समझ नहीं पाता। यह कहने की गुस्ताखी के लिए आज भी मैं माफी मांगने को तैयार नहीं। मंगल का वह काला कंटा शरीर एक संपूर्ण सुविकसित मानव पुतले का उत्कृष्ट नमूना, लगातार की मेहनत ने उसकी मांसपेशियों को स्वाभाविक ढंग से उखाड़ रखा था। पहलवानों की तरह उसमें अस्वाभाविक उखाड़ नहीं आई थी। जांघें, छाती, भुजाएं सब में जहां जितनी जैसी गड़न और उखाड़ चाहिए बस उतनी ही, न कहीं मांस कलौदा, न कहीं सूखी काट। एक सुडोल शरीर पर स्वाभाविक ढंग से रखा एक साधारण सिर। मंगर के शरीर का ख्याल आते ही मुझे प्राकृतिक व्यायाम के हिमायली मिस्टर मुंडर की आकृति का सिमरण हो जाता है। सैंडो के शेदार उससे कुछ निराश तो हों तो आश्चर्य नहीं। यह पाठ बेटा मैं आपको यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मैं इसकी दूसरी वीडियो भेज रही हूँ आपको, उसके बाद में आप उसे खोलकर आधा पार्ट देखेंगे, क्योंकि पार्ट बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो मैं इसके बाद में आपको जो आगे से रह गया है वहाँ पे भेजूंगी। पहले आप पढ़ना पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पार्ट लंबा है, तो मैं इसको दो विभागों में करके भेज रही हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।